बस एक बात ध्यान से कान खोल के समझ लीजिए कि आज किसी और की बेटी थी, कल आपकी बेटी हो सकती है, आपके घर का कोई हो सकता है। फिर जब आप मदद की गुहार लगाने के लिए रोड पे उतरेंगे और अगर आपके पीछे जनता नहीं खड़ी होगी तो आप कितना असहाय महसूस करेंगे, सरकारें आपकी मदद नहीं करेंगी तो कितना असहाय महसूस करेंगे। तब आपको ये समझ में आएगा कि जब मेरा वक्त था, मुझे दूसरों की मदद करनी थी, तब तो मैंने हाथ पीछे कर लिए और अब मुझे सहायता चाहिए तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ, कैसे उम्मीद लगाऊँ कि मेरे काम कोई आएगा। तो पहले आप आज उसके काम आइए जिसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और उन दरिंदों को फांसी तक पहुँचाई। आज आपके सामने मैं हाथरस की वो दर्दनाक गैंग रेप से जुड़ी घटना के बारे में बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर जनता ये वीडियो पूरा देखने वाली है, मुझसे सहमत रखती है और उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहती है, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, उसको ज़रूर आप शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरी बात आगे तक पहुँचे। क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय से ये चीज़ फेस की है और नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ मुद्दों को छोड़ के इन सब मुद्दों पर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। बस न्यूज़ पोर्टलों में मुद्दे छप जाते हैं लेकिन वो कोई बहुत बड़ी आबादी पढ़ती नहीं है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर नहीं पड़ता है। और प्रेशर की पावर हम देख चुके हैं कि जब बहुत बड़ी आबादी अगर लग गई, प्रेशर डालने लगी, तो सुशांत सिंह राजपूत का केस मुंबई पुलिस से हट के पूरी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगी हुई थी कि ना हटे, लेकिन हट के सीबीआई के पास चला गया, जांच हुई, मुद्दे खुले, कई कई लोग पकड़े गए और अभी भी बहुत लोग जेल में जाएंगे। ये होती प्रेशर की पावर। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाथरस वाले केस में जो 19 साल की लड़की है, उसके साथ चार लोगों ने बलात्कार किया, उनके नाम भी मैं बता दूंगा। और कुछ मीडिया पोर्टल इसको ये बताने में लगे हुए हैं कि अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट दलित लड़की का रेप किया। घटना बहुत दर्दनाक तरीके से हुई है। पुलिस का कहना है कि उसको घसीट के फील्ड में ले जाके दुपट्टे से उसका गला दबा के उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, हो सकता है गले से घसीटा गया होगा तो टूट गई होगी, और भी कई इंजरीज हैं ऐसी। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, और दिखानी नहीं चाहिए, मैं ब्लर कर रहा हूँ इसलिए चेहरा। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि ये घटना अगर हो रही है तो ये कैसे हो रही है। आप लोग सोचते होंगे इसके खिलाफ कोई टफ कानून आना चाहिए। कानून मर्डर के खिलाफ भी है, रेप के खिलाफ भी है, हर क्राइम से रिलेटेड एक कानून है, लेकिन क्राइम तब भी होते हैं। ये सामाजिक सुधार का मामला है। अगर हमने उन लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं किया, चाहे जिस तरीके से, हम उन्हें बातों से कह के समझा के सुधार नहीं सकते, हमें उनके मन में डर डालना होगा। अब उनके मन में हम ये नहीं औरतों के प्रति सम्मान नहीं पैदा कर सकते कि आप ऐसा मत करिए, ये समय जा चुका है। अब डर पैदा करने का समय आ गया है कि उनके मन में एक ऐसा खौफ हो कि जैसे इन चारों का मामला ले लेते हैं, इन चारों को इस तरीके से, इस बेरहमी से सजा मिले और इतनी जल्दी मिले कि अगला कोई अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी, एक सेकेंड के लिए भी अगर ये सोचे कि ये प्लान करते हैं और ये ऐसा इंसिडेंट फिर से हम अंजाम देते हैं, तो उसको ये पता हो कि हमने आज किया और हफ्ते भर के अंदर नप जाएंगे और फांसी हो जाएगी। जब तक डर पैदा नहीं होगा, ऐसे लोगों का इलाज हो ही नहीं सकता। दुख की बात तो ये भी है कि अब वो लड़की नहीं रही, हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा इंजरीज के बाद कोई ज़िंदा रह पाए बहुत बहुत चमत्कार की बात होती और बहुत मुश्किल की बात होती, तो ऐसा नहीं हो पाया, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। दुख की बात तो बहुत है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ वोटर, हम सरकारों को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे देश की, प्रदेश की जनता की सुरक्षा कर सके, डेवलपमेंट कर सके, रोजगार दे सके, इकोनॉमी बढ़ा सके। और इनमें से जब कुछ मुद्दों में दरार आती है तो आपको सवाल उठाना चाहिए। मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी के पर्टिकुलर कुछ लीडर्स का प्रशंसक रहा हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ कि मोदी का, योगी का, कुछ लोगों का मतलब करता हूँ, लेकिन
समर्थन आप तब करिए जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे हों, देश के लिए कुछ भला कर रहे हों, लोगों के लिए कुछ भला कर रहे हों। लेकिन अगर वो कहीं चूक रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज भी करिए, उनसे सवाल भी पूछिए। और आज मैं वही करने आया हूँ। ये सवाल योगी सरकार से बनता है कि जो योगी सरकार अपने मैनिफेस्टो में कह लीजिए, अपने भाषणों में कह लीजिए, वो ये कहती रही पूरे टाइम कि देश की बेटियों के लिए हम एक अच्छा माहौल देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को बढ़ाएंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। और उत्तर प्रदेश से ये जो गुंडागर्दी उसको ख़त्म करेंगे, क्रिमिनल्स को ख़त्म करेंगे। खैर, ख़त्म करने का इनका तरीका कुछ और ही है क्रिमिनल्स को। लेकिन ये जो लड़कियों के साथ जो हो रहा है, इसके लिए क्या स्टेप लेगी सरकार? इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है, ये जेल में है। बहुत जल्दी हुआ बात अलग है, लेकिन एक एंगल ये दिया जा रहा है कि इन्हें अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का मामला फंस रहा था। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्राइम काफ़ी नहीं है अरेस्ट करने के लिए? पुलिस को इस बात का प्रेशर झेलना पड़ेगा कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का मामला इसलिए अरेस्ट करें? जनता पागल हो जाएगी? रेप एक इतना बड़ा क्राइम है, इतना घिनौना, इतनी बेरहमी से कुछ किया गया है, वो रीज़न काफ़ी नहीं है पुलिस के लिए? कई जगह पुलिस की भी इतनी लापरवाही देखी गई है कि मुद्दा होते हुए भी एकदम लीनियंसी बरतते हैं। जब तक ऊपर से प्रेशर ना आ जाए, जब तक कोई रिलीजियस इशू ना हो जाए, जब तक कोई दंगा होने का आशंका ना हो, तब तक एक्शन नहीं लेते। आखिर पुलिस को ये पावर दी ही क्यों गई है? पुलिस को बंदूक क्यों दी गई अगर वो गलत लोगों को सबक ना सिखा सके? अगर सरकार और पुलिस हमारी रक्षा के लिए नहीं है तो हम कब तक सरकारें बदलते रहेंगे, नए नए ऑप्शंस की तलाश करते रहेंगे? क्या करंट गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकती जो जनता को राहत पहुंचाए? क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा के फांसी की सज़ा दिलवाए? इस वीडियो में जाते जाते मेरी जनता से कुछ रिक्वेस्ट है। आप ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, जहां आपको इस मुद्दे पे कोई वीडियो मिले, आप उसको इस हद तक शेयर करिए, इस हद तक वायरल करिए कि सरकार के नाक में दम हो जाए कि जनता बहुत आक्रोश में है चुनाव कर। क्योंकि सरकारों के लिए सिर्फ उनकी सत्ता, उनकी गद्दी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में मुझे ये नज़र आ रहा है। तो अगर उनको लगेगा कि हमारी गद्दी पे बात आ गई है तो हमें इसका फैसला करना चाहिए, इंसाफ देना चाहिए, तो वो जिस तरीके से वो मानते हैं उस तरीके से उनको मनाइए। चाहे उनको उनकी गद्दी का डर दिखा के मनाइए, चाहे आप अपनी वोटिंग पावर का डर दिखा के मनाइए, जो जो आप कर सकते हैं करिए। इस न्यूज़ को वायरल करिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ। इस लड़की के समर्थन में आना पड़ेगा आपको, इंसाफ दिलाना पड़ेगा। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जो आप देख रहे हैं। और आखिरी बात, जाते जाते बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ तक आ गया है, बस एक बात ध्यान से कान खोल के समझ लीजिए कि आज किसी और की बेटी थी, कल आपकी बेटी हो सकती है, आपके घर का कोई हो सकता है। फिर जब आप मदद की गुहार लगाने के लिए रोड पे उतरेंगे और अगर आपके पीछे जनता नहीं खड़ी होगी तो आप कितना असहाय महसूस करेंगे? सरकारें आपकी मदद नहीं करेंगी तो कितना असहाय महसूस करेंगे? तब आपको ये समझ में आएगा कि जब मेरा वक्त था, मुझे दूसरों की मदद करनी थी, तब तो मैंने हाथ पीछे कर लिए, और अब मुझे सहायता चाहिए तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ, कैसे उम्मीद लगाऊँ कि मेरे काम कोई आएगा? तो पहले आप आज उसके काम आइए जिसने अपनी ज़िंदगी गवा दी और उन दरिंदों को फांसी तक पहुँचाइए। फांसी नहीं, कोई ऐसी सज़ा की मांग करिए जो भविष्य में बनने वाले क्रिमिनल्स की रूह तक कपा दे। और यूपी पुलिस के लिए एक मेरा संदेश है कि इन चारों को ले जाते वक्त गाड़ी कैसे पलटेगी, ये आप देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।